फ्रेंड्स, आज जो मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही अच्छे फ्लेवर की बनती है, बहुत ही मिनटों में बन जाती है। इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, सब कोई सब्ज़ी को बना सकता है। देखते वीडियो में हमने किस तरह से बनाया है, बहुत ही जल्दी बनने वाली, और फुल वीडियो देखिएगा तो मिनटों में बन जाएगी आपकी सब्ज़ी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना होगा, सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी से ये बन जाती है। कुछ भी ना हो आप टमाटर लीजिए, मैंने यहाँ पे दो टमाटर ले लिए हैं, अदरक हरी मिर्च ले लिए, ये सबके घरों में होता है। तो इसको हम कट करके पहले पीस लेंगे, हरी मिर्च, अदरक, इसे हम पीस लेंगे। इसको आप दही डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर डाल के बनाती हूँ, आप जैसा जब मर्जी हो वैसे बना लेते हैं। यहाँ मैंने टमाटर को पीस लिया है, इसमें टमाटर बारीक पीसना है, आप चाहे उसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब घी तेल जो खाना पसंद करते हैं वो घी तेल आप इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा तेल को हम गर्म होने देंगे, ज़रा सी सी हींग डालेंगे, मीडियम फ्लेम और लो फ्लेम पर ही ये काम आपको करना है। थोड़ा सा गर्म हो गया तो जीरा डाल देंगे, थोड़ा इसको चटकने देते हैं, थोड़ा हल्दी, इसमें टमाटर डाल देंगे, जार को धोकर भी इसी में डाल देंगे, थोड़ा सूखा धनिया, घर का कुटा हुआ है ये, और धनिया का थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। हल्दी हमने पहले डाल देनी है ताकि अच्छे से पक जाए, और थोड़ी सी मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार, नमक सिर्फ टमाटर के हिसाब से डालना है क्योंकि मेरे जो दाल से हैं उसमें भी थोड़ा सा नमक है, नमक कम डालिएगा, कम लगे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो टमाटर अच्छे से पक जाने चाहिए, अब इसमें हम डाल देंगे ये सेव, और जितनी पानी की ज़रूरत हो जितना आपको खाना है। बहुत से लोग इसको सूखा बना के खाते हैं, बहुत से गीला बना के खाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि फूलेगा अभी और पानी इसमें सूख जाएगा। अब इसको हम उबाल लेंगे, ये हमारी सेव की सब्ज़ी बहुत जल्दी मिनटों में बन जाती है, और सेव सबके घर में रखे रहते हैं। अब जितने मिर्च मसाले हैं इनका फ्लेवर आ जाए, इसलिए एक दो उबाल इसमें हम दे देंगे, और ऊपर से इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया तो सब्ज़ी की जान होती है, थोड़ा गरम मसाला, अगर आप कोई सब्जी मसाला रखते हैं तो थोड़ा सा सब्जी मसाला। ये सेब की सब्ज़ी 5 मिनट भी पूरे नहीं लगते हैं और हमारी रेडी हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। आपका सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आगे भी पढ़ाने वाले आप ही हैं, आपके सपोर्ट बिना कुछ भी नहीं है। चलिए, इसको आप पूड़ी, पराठे, रोटी, चपाती, जिससे आप खाना पसंद करें खा सकते हैं।